हेलो फ्रेंड्स, फेमस एक्ट्रेस डेमेडो जमीर और सिंगर बोजहान कोच की शादी अगस्त में 8 माह कबल एक शानदार तकरीब के साथ हुई थी, लेकिन ये शादी ज्यादा देर चल ना सकी। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक मुश्तरका बयान के जरिए तलाक लेने का ऐलान किया है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले व्यूवर्स से दरखास्त है कि वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये कपल कुछ अरसे से अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। हाल ही में डेमिड ने 11th में अपने घर से सामान लिया जहां वो कोच के साथ रहती थी, और अपने घर जिक्रिया कोए मुंतकिल हो गई जहां वो शादी से पहले रहती थी। कपल आने वाले दिनों में तलाक के लिए अदालत में दरखास्त देंगे। ज़राए के मुताबिक दोनों के दरमियान सालगिरह के मौके पर शदीद लड़ाई हुई। हुआ कुछ यूं कि डेमिड ने एक फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड करवाया था जिसमे इनके शौहर कोच ने एक्टिंग की थी, लेकिन डेमिड और जमीर ने फिल्म के प्रीमियर पर शिरकत नहीं की और न ही अपने और या फिल्म के लिए कोई पोस्ट शेयर की। सोशल मीडिया पर मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा कि ये सच है कि हम कुछ अरसे से अपनी शादी को बचाने की कोशिश में नाकाम रहे हैं, इसलिए हमने इसे खत्म करने का फैसला किया है। ये फैसला हमने बाहमी रजामंदी और इत्तेफाक से किया है। इसका असर हमारे खानदानों और बुजुर्गों पर भी पड़ेगा और हम इनको परेशान किए बगैर इंतहाई हसास तरीके से इस अमल को अंजाम देने की कोशिश करेंगे, और हम अपने प्रेस मेंबरान से दरख्वास्त करते हैं कि इसी हसासियत के साथ इस मामले को देखें। आने वाले दिनों में अपने पसंदीदा ड्रामों की मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।